मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि आप लोग को एक्सपीरियंस बहुत है, तो अब आप इन नई गाइडलाइंस के तहत और ज्यादा से ज्यादा पार्क अगर एडॉप्ट कर सके अपने एरिया में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो और ज्यादा से ज्यादा पार्क आप एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे निवास स्थान के ऊपर। आज संडे के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला और इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में इतनी दूर दूर से पूरी दिल्ली के कोने कोने से आप लोग आए हैं। इसके लिए जो भी काम आप कर रहे हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता, आप समाज के लिए कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी आप लोगों को दिक्कत आ रही है ऐसा मुझे पता चला था, इसीलिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई ताकि आपके साथ आमने सामने बैठ के सीधे बातचीत की जा सके। मुझे लगता है कि आज की बातचीत बहुत सार्थक रही, दो तीन बड़े बड़े निर्णय हुए हैं जिससे आप सब लोगों को फायदा मिलेगा। एक ये कि अब इसको 1 लाख रुपए एकड़ को बढ़ा के 2 लाख रुपए एकड़ कर दिया जाएगा और ये सारी कैटेगरीज खत्म करके 90% ग्रांट जो है वो दिल्ली सरकार देगी। प्रूनिंग की समस्या जहां तक है इसका मैं बैठ के इनके साथ समाधान कुछ निकालने की इस तरह से कोशिश करेंगे कि एमसीडी का इसमें कोई रोल ना रहे। जहां तक पानी की समस्या है, बोरिंग की समस्या है, पंप की समस्या है, इसमें भी हम कोशिश ये करेंगे कि एमसीडी का रोल खत्म हो जाए। लेकिन मेरी आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि इस वक्त इमीडिएटली जिन जिन लोगों की मोटरें खराब पड़ी है, पंप खराब पड़े हैं, अगर आप जाने से पहले हमें लिख के दे जाएं तो उनके पंप अगले हफ्ते दो हफ्ते में हम ठीक करा देंगे। लेकिन इसके बाद हम इसका कोई सिस्टमिक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भविष्य में एमसीडी के ऊपर निर्भर ना होना। मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि आप लोग को एक्सपीरियंस बहुत है, तो अब आप इन नई गाइडलाइंस के तहत और ज्यादा से ज्यादा पार्क अगर एडॉप्ट कर सके अपने एरिया में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो और ज्यादा से ज्यादा पार्क आप एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा समाज को जोड़ने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन आप कर भी रहे होंगे, अगर लेकिन महीने में, दो महीने में एक बार अगर आसपास के सारे इलाके से श्रमदान करवाते हैं और श्रमदान के बाद आप चाहे चाय रख लीजिए, नाश्ता रख लीजिए, तो पूरा समाज उसमें शामिल हो जाता है, पूरे समाज को लगता है कि मेरी भागीदारी से ये पार्क बन रहा है। तो अगर किसी ने बोला वॉकवे के लिए, मेरा ये सुझाव है जहां जहां झूले लगवाना चाहते हैं, जिम लगवाना चाहते हैं, वॉकवे बनवाना चाहते हैं, आप अपने लोकल एमएलए से कॉन्टेक्ट कीजिए। लोकल एमएलए के पास एमएलए डेवलपमेंट फंड में ये सब लगवाने के लिए उनका प्रावधान है, क्योंकि कई सारे पार्क्स ऐसे होंगे जो कि आबादी से हो सकता है थोड़े दूर हो, वहां पे हो सकता है आप लोगों को झूले वूले की जरूरत ना हो, तो सब पार्कों में झूले लगवाने से फायदा नहीं है। लेकिन जिन जिन पार्कों में जो पार्क सच्चे मेंटेन है और जिन जिन पार्कों में आप ये करवाना चाहते हैं काम, अपने लोकल एमएलए से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वो जरूर करवा देंगे।